यू वेलकम बैक टू आवर चैनल रंगभरी लाइफ। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई रेसिपी जो कि एक बहुत ही इजी बनाना है स्नैक्स है जो हम बनाएंगे आज, वो है कुरकुरे नमक पारे। और कुरकुरे नमक पारे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले हमने ये लिया है 2 कप प्लेन मैदा, और ये है ऑयल, ये है भुना हुआ पिसा ज़ीरा। आप इसकी जगह अजवाइन भी ले सकते हैं या दोनों को हाफ हाफ करके मिक्स करके वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है नमक, इसको आप स्वाद अनुसार इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इस मैदे में डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और इसको सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप ये देखिए, ये मिक्स हो गया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये 3 टीस्पून ऑयल, 1, 2 एंड 3, और इसको हम अच्छे से मैदे में मिक्स करेंगे। और इसको मैदे में हम लोग अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक कि ये ऑयल अच्छे से मैदे में एब्जॉर्ब ना हो जाए, ताकि जब हम नमक पारे बनाएं तो नमक पारे क्रिस्पी और टेस्टी बने। फिर इन सब जो मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स करे, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम थोड़ा ये गुनगुना पानी हमने लिया हुआ है और थोड़ा थोड़ा डालकर हम इस मैदे के मिक्सर को मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से ये मैदा मिक्स हो जाए और हमारा मैदा रेडी हो जाए नमक पारे बनाने के लिए। ये हमारा डो जो है नमक पारे के लिए बनकर रेडी है, और इसको हम 20 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे ताकि नमक पारे क्रिस्पी और टेस्टी बने। ये हमारा डो रेडी है, बस एक बार हम दोबारा इसको फिर से थोड़ा गूंद लेंगे। ओके, और थोड़ा सा गूंदने के बाद हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसके हम ऐसे करके पेड़े बना लेंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले एक कटिंग बोर्ड ले लिया है जिसके ऊपर हम इस ये मैदे के एक गोले को जो हम लेंगे और इसको बेलेंगे कुछ इस तरह से राउंड शेप में, जैसे कि हम लोग रोटी बेलते हैं। और इसको तब तक हम बेलते रहेंगे, बस ये रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होना चाहिए ताकि जब हम नमक पारे तले तो नमक पारे क्रिस्पी बन के आए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ नाइफ इसको ऐसे प्ले क्या कहते हैं पट्टियों की शेप में इसको ऐसे काट लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से ये कट के आएंगे। ओके, अब हम इसको डायगनली काटेंगे कुछ इस तरह से। ये लीव्स हमारी कट के तैयार है नमक पारे बनाने के लिए, और हम इनको कुछ इस तरह से निकाल लेंगे। और अब ये लीव्स रेडी हैं जिनको हम तलने के लिए डालेंगे ऑयल में। हमने तेल जो है वो मीडियम लो फ्लेम पे रेडी कर लिया है और उसका टेम्परेचर मेंटेन हो गया है, और ये लीव्स जो हमारी हैं नमक पारे बनकर रेडी हैं। अब हम इनको बस झटपट फटाफट कुछ इस तरह से फ्राई करेंगे। और ये कुछ जो लीव्स हैं ये आपस में चिपक गए हैं, इसके लिए आप घबराइए नहीं। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आप इसको थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे टर्न एंड ट्विस्ट करते रहे ताकि ये अलग अलग हो जाएंगे फ्राई होते वक्त। और हमने तब तक इनको फ्राई करना जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे तब हम इसको डिश आउट कर सकते हैं और ऑयल से निकाल सकते हैं, और फिर आप देखिएगा कितने क्रिस्पी और टेस्टी नमक पारे बनकर रेडी होंगे आपके लिए। पारे बनकर रेडी हैं और मैंने इनको डिश आउट कर दिया है, और आपने देख लिया मैंने कैसे बनाया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा,
लाइक करिएगा, और मुझे आपके कमेंट्स की ज़रूरत है क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे अप्रिसिएशन मिल इंस्पिरेशन मिलता है, और ताकि मैं और नई से नई रेसिपीज़ बना के पोस्ट करूँ. सो डोंट फर्गेट एंड स्टे हेल्दी. गुड बाय.